किसी के जीवन में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की हर समस्या समाधान तो होती ही है, लेकिन जिसके प्रभाव से जिंदगी में आगे बढ़ने की भी हमें बार बार प्रेरणा मिलती है। तो हम बात आज करेंगे कि खेसारी लाल यादव के जीवन में तीन ऐसे व्यक्तियों की जिनके कारण आज खेसारी लाल यादव ये बात जरूर कहते हैं कि अपने पिता के बाद वो अगर किसी को दर्जा देते हैं तो अपने जीवन में इन तीन व्यक्तियों का। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन है वो लोग जिनके लिए खेसारी लाल यादव कितनी भी बड़ी बिजी शेड्यूल को छोड़कर उनके पास पहुंच जाते। बात करते हैं तीसरे शख्स की। जी हाँ, यहाँ बात अगर हम तीसरे शख्स की करें, भोजपुरी के सिल्वर स्टार के रूप में लिया जाता है, वो कोई और नहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ है। जी हाँ, कई इंटरव्यू में और कई जगहों पर खेसारी लाल यादव ने ऐसा कहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अगर ना होते तो आज खेसारी लाल यादव एक स्टार नहीं बनते, क्योंकि उनकी पहली फिल्म को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था और स्पॉन्सर की बात जब दिनेश लाल यादव निरहुआ को पता चली तो उन्होंने पैसे देकर खेसारी की पहली फिल्म साजन चले ससुराल को रिलीज करवाया। फिर तो आप सभी जानते हैं कि खेसारी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, इसलिए अपने पिता के बाद या यूं कह लें कि माता पिता के बाद खेसारी लाल यादव किसी का सम्मान करते हैं तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। बीच में इन दोनों के खटपट की बात आई थी, लेकिन वह एक अफवाह मात्र ही रह गई, क्योंकि इस अवार्ड शो में, यानी कि जो कोलकाता में अवार्ड शो हुआ था, उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ को भरे मंच पे खेसारी लाल यादव ने अपना बड़ा भाई और अपना आदर्श बताया। और अब बढ़ते हैं खेसारी के दूसरे ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसके लिए खेसारी भी इम्पोर्टेंट उतना ही रखते हैं जितना खेसारी के लिए वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की। जी हाँ, डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ये वही हैं जिन्होंने खेसारी लाल यादव को उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी मेहंदी लगा के रखना दी थी। मेहंदी लगा के रखना के बाद खेसारी ने कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को यहीं से एक एस्टेब्लिशपन मिला था। आप ये कह सकते हैं यही जोड़ी यहीं से पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो गई थी और खेसारी लाल यादव के हिस्से भोजपुरी की उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी। और रजनीश मिश्रा की हर एक मूवी में खेसारी चाहते हैं कि वो एक्टिंग करें, और इस बार मेहंदी लगा के रखना 3 में भी खेसारी की लोकप्रियता को देखते हुए और स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से रजनीश मिश्रा ने उन्हें ही एज अ एक्टर लिया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि रजनीश मिश्रा खेसारी लाल यादव को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते हैं, साथ ही साथ खेसारी लाल यादव भी रजनीश मिश्रा को अपने जीवन में कम नहीं मानते, उन्हें अपने बड़े भाई का दर्जा देते हैं और खेसारी खुद भी उन्हें बहुत महत्व देते हैं। यानी ये खेसारी लाल यादव के लाइफ में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खेसारी लाल यादव बहुत मानते हैं। अब बढ़ते हैं उस व्यक्ति की तरफ जिसके लिए खेसारी शायद अपने इन दो व्यक्तियों से भी नाराजगी मोल ले सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति से नहीं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये कौन है। ये कोई और नहीं, ये हैं भोजपुरी को पुनर्जीवित करने वाले मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी का बहुत ही सम्मान करते हैं खेसारी लाल यादव। अपने कई स्टेज शो में उन्होंने ये बताया है कि कैसे मनोज तिवारी के गाने सुन सुनकर, कैसे उनके देवी गीत सुन सुनकर वो बड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि मनोज तिवारी को वो अपना बड़ा भाई यूं ही नहीं मानते, उनके कई मुसीबत के समय में मनोज तिवारी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। मनोज तिवारी ने तब उनका साथ दिया है जब इंडस्ट्री में लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, यानी कि खेसारी लाल यादव को जब इंडस्ट्री में लोग जानते नहीं थे तब मनोज तिवारी ने उनका साथ दिया है, और इसलिए वो मनोज तिवारी का साथ कभी नहीं छोड़ते। मनोज तिवारी उन्हें कभी भी किसी वक्त कहीं भी बुलाए, वो बगैर जवाब सवाल किए वहाँ पहुँच जाते हैं।
और इसका कई बार जिक्र मनोज तिवारी भी कर चुके हैं कि खेसारी उनके छोटे भाई की तरह हैं और वो जो कुछ भी कहते हैं खेसारी सर झुका कर मान लेते हैं। कि अब ये आप जान चुके हैं कि खेसारी लाल यादव की लाइफ में तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कहने पर वो कुछ भी कर देते हैं, कोई जवाब सवाल नहीं करते। तीसरे व्यक्ति हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, दूसरे व्यक्ति हैं डायरेक्टर रजनीश मिश्रा और पहले व्यक्ति हैं उनके बड़े भाई समान और उनके पिता तुल्य मनोज तिवारी। तो यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी ये स्टोरी खबरी ऐप पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिएगा।